वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत इससे पूर्व की कक्षा में मैंने बताया था कि प्रत्यय के तीन भेद होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत दशम वर्ग के पाठ्यक्रम में इस बार नहीं है, कृदंत प्रत्यय दशम वर्ग के पाठ्यक्रम में इस बार नहीं है, तद्धित है। तद्धित के अंतर्गत सबसे पहले मतु प्रत्यय सिलेबस में है, जो भी रिवाइज वाला सिलेबस देखे होंगे उसमें मृतुक प्रत्यय लिखा हुआ, मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का प्रयोग बाला एवं बाली अर्थ में होता है। मतु प्रत्यय का उपयोग बाला एवं बाली अर्थ में होता है, जैसे धी जोड़ मतुप बराबर धीमान, इसका अर्थ हुआ बुद्धि वाला। इस प्रत्यय के साथ पूर्व में केवल शब्द का ही प्रयोग होता है, धातु का प्रयोग इस प्रत्यय के साथ कदाचित ही देखने को मिलता है, मतु प्रत्यय में केवल मत ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। मतु प्रत्यय में मत ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। लेकिन जिन शब्दों के अंत में अ या आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर होता है, उनमें मतुप का मत जुट जाता है, जैसे बुद्धि जोड़ मतुप बराबर
बुद्धिमत, शक्ति जोड़ मतु बराबर शक्तिमत, श्री जोड़ मतु बराबर श्रीमत, हनु जोड़ मतु बराबर हनुमत। लेकिन जिन शब्दों के अंत में अ या आ स्वर हो, उसके पश्चात मतुप हो, तो मत के स्थान पर, वत हो जाता है, जैसे गुणजोड़ मतुप बराबर गुणवत, ज्ञान जोड़ मतुप बराबर ज्ञानवत, बल जोड़ मतुप बराबर बलवत, भाग्य जोड़ मतुप बराबर भाग्यवत। अगर ओ आ के बाद अगर मतुप होता है तो मतुप के स्थान पर वतुप अर्थात मत के स्थान पर वत हो जाता है, लेकिन ओ आ के अलावा अगर कोई स्वर रहता है बुद्धि शक्ति श्री हनु तो मतुप के स्थान पर मत ही रहता है। मतुप प्रत्यान शब्द पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। ये विशेषण विशेष के हिसाब से ही परिवर्तित होते हैं। अगर विशेष पद बहुवचन हो तो उसका विशेषण भी बहुवचन होगा। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय का यह महत्वपूर्ण सूत्र मतुप प्रत्यय है।